विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दिए गए आरोपों पर सीधे सीधे कनाडा को जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक कहा कि कोई सबूत है तो भारत के साथ साझा करें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दिया एक ऐसा करारा जवाब कनाडा को कि कनाडा आ गया औकात में। कनाडा ने एक्चुअली बोला था कि हम जब तक निज्जर किलिंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। तो जयशंकर साहब ने बोला ठीक है यार, प्रूफ दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारा पड़ोसी भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को छू रहा है। आप जहां जाते हैं लोगों में पांव पड़ पड़ के पैसे मांगते हैं, कशकोल लेकर जाते हैं। आप रशिया भी गए, वहां से गंदम मांगने गए, पाइपलाइन की बातें करने गए। तो जब आप जहां जाए पांव पड़ जाए वहां से खैरात मांगने के लिए, तो आजाद किस तरह हो जाएंगे आप? आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद किस तरह होगी? जो काम इसराइल ने हमास का पिछले एक सवा महीने में किया है, एग्जैक्टली वही हाल, या यूं कहें उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल जो दिखाई नहीं दे रहा, इंडिया ने कनाडा का किया है। और ये बात विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दोहराई है। भारत जांच से इनकार नहीं कर रहा है, कनाडा में हिंसक विचारों को जगह दी जा रही है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आजादी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तमाम बातें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कही। जो हमास की तबाही के बाद हमास के लोग इस टाइम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, वो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। साहब कनाडा के साथ भी एग्जैक्टली यही होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी मैं ऐसी खबर सुनता हूं ना, मैं बहुत उम्मीद से हो जाता हूं। मुझे लगता है कि हाँ, अभी लड़ाई बाकी है और लड़ाई जीतनी भी है दोस्तों। सिर्फ लड़ाई बाकी नहीं है, लड़ाई जीतनी भी है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को लताड़ दिया है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को लेकर कहा कि भारत किसी जांच से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कनाडा से उस देश में एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने की बात को लेकर कनाडा से सबूत देने को कहा है। उन्होंने कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले और दूतावास पर हमलों को याद किया और कहा कि भारतीय राजनयिकों को सार्वजनिक रूप से डराया गया और कैनेडियन अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। दोस्तों, इस समय कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है, लेकिन कनाडा की सरकार उन पर कोई सुनवाई नहीं करती। ऐसे में जयशंकर ने कनाडा से सबूत मांगकर ट्रूडो के बेबुनियाद झूठों पर तमाचा मारा है और एक बार फिर ब्रिटेन में खड़े होकर ट्रूडो का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दिया एक ऐसा करारा जवाब कनाडा को कि कनाडा आ गया औकात में। कनाडा ने एक्चुअली बोला था कि हम जब तक निज्जर किलिंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। तो जयशंकर साहब ने बोला ठीक है यार, प्रूफ दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रूफ, ये आरोप लगे हुए तकरीबन एक लंबा अरसा हो गया, कई महीने बीत गए, प्रूफ अब तक आया नहीं है इंडिया के हाथ में। क्यों ये प्रूफ नहीं आया और क्या पोजीशन है और क्या इंडिया अब कनाडा पे हावी हो चुका है? सर, मैं थोड़ा सा एक सार्केस्टिक वे में कहो या एक सिंबॉलिक वे में, सर दो वार हुए हैं सितंबर 2023 के बाद, यानी G20 की मीटिंग के बाद दो वार हुए हैं। एक वॉर हुआ इसराइल हमास जो दुनिया को दिखाई दिया, एक डिप्लोमेटिक वॉर हुआ इंडिया और कनाडा। जो काम इसराइल ने हमास का पिछले एक सवा महीने में किया है, एग्जैक्टली वही हाल, या यूं कहें उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल जो दिखाई नहीं दे रहा, इंडिया ने कनाडा का किया है। ये जो I2 है ना, इंडिया और इसराइल, इन्होंने अपने विरोधियों का या यूं कहें अपने दुश्मनों का इस समय पर जो हाल किया है, जो हमास का हाल ब्रुटल मतलब तबाही के रूप में हमें गाजा में दिखाई दे रहा है, बस वो डिप्लोमेटिक डिसास्टर जो कनाडा के साथ हुआ है
वो इस टाइम लोग बस इमेजिन नहीं कर पा रहे, लिटरली उस तबाही के बाद, जो हमास की तबाही के बाद हमास के लोग इस टाइम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, वो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। साहब कनाडा के साथ भी एग्जैक्टली यही होता हुआ नजर आ रहा है कि उसने जिस तरीके से निज्जर के मामले को उछालकर इंडिया को घेरने की कोशिश करी और सब कुछ किया, आप यकीन मानिए इस समय पर यह हाल हो रहा है कि कनाडा की सुनने वाला नहीं है। अब कनाडा ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है जिसे सुनकर हंसी आ रही है। सर एक बात बताइए, मैं अभी छोटा सा एक डाटा देख रहा था, कनाडा और इंडिया का ट्रेड कितना है, टोटल ट्रेड $6.471 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स वाले यूएस डॉलर, उसमें इंडिया $1 बिलियन सरप्लस में है। ओके, हम कनाडा से क्या खरीदते हैं और सप्लाई क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं फिनिश्ड गुड्स, और कनाडा हमारे को क्या भेजता है, कोयले से लेकर बहुत सारे जो रॉ मटेरियल नहीं होते मीडियल एज्ड वाले के रॉ मटेरियल, मतलब सप्लाई कर रहा है और हमसे फिनिश्ड गुड्स ले रहा है कनाडा। दूसरी चीज, अगर आप कनाडा को उठाकर देखेंगे तो साहब असलियत में हमें हमारी $3 trillion की इकोनॉमी क्रॉस कर चुकी है, 2026 तक $5 trillion की इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं, और कनाडा जो है 1 trillion भी ना है, 1 trillion तो छोड़ो, कुछ बिलियन के आसपास घूम रहा है, 400-500 billion, और उसमें भी सारा का सारा खेल अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के जो कंपनीज हैं जो टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए कनाडा में घुसती हैं और वहां से अमेरिका में ट्रेड करती हैं, वो लोग ज्यादा हैं। सर दूसरी बात, आप उठाकर देखेंगे तो कनाडा के अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स वो बैठे हुए हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहां पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। सर एक बात आओ, कनाडा की खुद की पॉपुलेशन तो 4-5 crore की है, इंडिया की 140 crore की है, इंडिया को उस 5 crore की पॉपुलेशन की ज्यादा जरूरत है, उस 5 crore की पॉपुलेशन के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया की बड़ी 140 crore या 150 crore के करीब की पॉपुलेशन की जरूरत है। मतलब सोचकर देखो, ये आपको हंसी, खुद ही इमेजिन करके देखिए, मतलब पिद्दा सा 5 crore का एक देश, 140 crore के जो मार्केट वाले, मैं यूनिक है पॉपुलेशन वाले, पॉपुलेशन तो 57 देशों की भी जो इसराइल के साथ खड़े होके बम्बीरी बांध के पेट खराब करके आ चुके हैं, साहब पॉपुलेशन मायने नहीं रखता, लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो असलियत में हमारा जो अपनी अपनी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, नेवल पावर है, एयर पावर है, स्पेस पावर है, उसके ऊपर मैटर करता है। सर मार्केट के उठाकर देख लीजिए हमारा मिडिल क्लास कितना बड़ा है, हमारे मिडिल क्लास के अंदर लगभग 50 से 55 करोड़ की आबादी है जो दुनिया की मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है चाइना के बाद। आप मुझे ये बताइए, चाइना को फायदा है, हमें फायदा है? और फिर वही वाली बात है ना, अब वो कह रहे हैं हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। भैया मेरे से तू ट्रेड नहीं करेगा, $3 trillion की इकोनॉमी, 1 billion यानी 300,000 रुपए में से अगर 1 रुपया नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, बताएगा? लेकिन तू सोच कर देख तेरा क्या होगा, क्योंकि तेरी पूरी इकोनॉमी कुछ बिलियन डॉलर की है और ऊपर से तुम्हारे को वहां सारे का। अच्छा दूसरी चीज, अच्छा चलो हम मना कर देते हैं, हमारे जो 300,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक काम कर तू वापस भेज, हम तो मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा, मत करो ट्रेड। सर यूनिवर्सिटीज बंद इनकी सही बात है समस्या नहीं है, यूनिवर्सिटी तुम्हारी बंद हो जाएंगी। डर कनाडा को लगना चाहिए कि 5-7 साल में जिस दिन इंडिया की प्राइवेट जो कम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ा ले और यहाँ इनके अंदर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इनमें से आधों की एजुकेशन भारी बढ़ जाएगी इनको।